जसोल स्थित माता रानी भटियाणी मंदिर में शनिवार को तेरस के दिन श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। भाद्रपद तेरस के मेले में प्रदेश भर से हजारों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचे। पैदल श्रद्धालु जत्थों के रूप में दर्शन के लिए जसोल आए। मंदिर में सुबह से दर्शन के लिए लंबी लाइनें लगनी शुरू हुई और दिन भर श्रद्धालु कतारों में दर्शन को लेकर खड़े नजर आए। पालोत्रा से अनिल वैष्णव की रिपोर्ट। भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी के उपलक्ष्य में बुधवार को बालोतरा के जसोल स्थित माता रानी भटियाणी मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन पूजन कर प्रसाद चढ़ाए और परिवार में खुशहाली की कामना की। धार्मिक दृष्टि से त्रयोदशी का अधिक महत्व होने के कारण माता रानी भटियाणी मंदिर में बुधवार को श्रद्धालुओं की रैली फैल रही। ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर खुलने के साथ भक्तों की कतारें लगनी शुरू हो गई। बालोतरा व आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता रानी भटियाणी के जयकारे लगाते भजन गाते हुए पैदल जत्थों के रूप में मंदिर पहुंचे। माजीसा के दर्शन पूजन कर मंगल आरती उतारी। मंदिर प्रवेश द्वार से जसोल मुख्य सड़क तक लंबी कतारें देखने को मिली। मंदिर परिसर श्रद्धालु से खचाखच भर गया। घंटों प्रतीक्षा के बाद बारी आने पर श्रद्धालुओं ने माँ के दरबार में शीश नवा, कुमकुम, चुंदड़ी, श्रीफल, माजीसा का बागा, प्रसाद चढ़ा परिहार में खुशहाली की कामना की। नव विवाहितों ने मंदिर में पूजा की। श्रद्धालुओं ने परिसर में स्थित बायोसा, लाल सिंह, सवाई सिंह के मंदिरों में शीश नवाया, माजीसा के जयकारे लगाने के साथ भजन गाए। प्रदेश व पड़ोसी राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पैदल जत्थों में मंदिर पहुंचे। श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ से मंदिर के बाहर मेले जैसा माहौल दिखाई दिया। जसोल स्थित माता रानी भटियाणी मंदिर में बुधवार को हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन पूजन किए। मंदिर प्रशासन और पुलिस ने श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रबंध किए। शाम को SN वोहरा माध्यमिक स्कूल मैदान में भक्ति संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें ख्यात भजन कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुतियां दी।